नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं पब्लिक बाइक और हम इस वक्त खड़े हैं संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के हातिम सराय, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहां नगरपालिका चुनाव पूरी तरह से तैयारियां लोगों की हो चुकी हैं। नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जहां कुछ पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। जहाँ आप देख सकते हैं नगरपालिका क्षेत्र की स्थिति, जहाँ एक दिन की बारिश में जल भराव और साथ ही में लगातार पानी की समस्या को लेकर और लगातार संभल शहर की बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोगों से बात करेंगे। ये संभल सदर कोतवाली क्षेत्र और साथ ही में लगातार ये थाना नखासा क्षेत्र के हातिम सराय में हम इस वक्त खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे जहां लगातार कुछ घंटे की बारिश के बाद में यहाँ जल भराव की स्थिति हो गई, लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना हो रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ लगातार जल भराव की स्थिति एक दो घंटे की बारिश में यहाँ हो जाती है, और भी लगातार समस्याएं शहर में जल भराव और नालियों की साफ सफाई और गंदगी आप देख सकते हैं। जिस तरह से नगर पालिका क्षेत्र में लगातार वोट लेने का तो काम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? नगर पालिका क्षेत्र है ये आपके नज़दीक में, क्या कहना चाहेंगे? पानी भरा हुआ है, बना चांदनी चौक ये स्थिति देखते हुए क्या मन बनाया है आपके बाद? क्या आपके शहर का कैसा चेयरमैन चाहते हैं? क्या लगता है आपको, समीर विकास कराएंगे? और लोगों से बात करेंगे, संभल थाना नखासा क्षेत्र के हाथी उतराए, लगातार हम शहर में सर्वे कर रहे हैं, लगातार लोगों का मन है कि नए प्रत्याशियों को आपके बाद चांस दिया जाए। लगातार हम 5 साल यहाँ रहते हैं और उसके बाद में लगातार चुनाव वादे करते हैं कि हम ये दिखाई नहीं दे रहा है नगर पालिका क्षेत्र में। और लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? आपके मोहल्ले पड़ोस में कुछ काम हुआ नहीं? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्या मालूम क्यों नहीं हुआ, उसका चेयरमैन कराता ही नहीं। अब कैसा होना चाहिए आपके शहर का चेयरमैन? हमारा समीर कराएगा। क्यों लगता है आपको समीर कराएंगे काम? जरूर कराएगा। क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है आपको ऐसा? यूँ लगता है हमारा नया खड़ा हो रहा चेयरमैन, नए चेयरमैन को चाहती है। नए चेयरमैन चाहते हैं। चलिए और लोगों से बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद साहब, ये आपके शहर में जो मोहल्ले में गंदगी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने पिछली बार नवाब साहब के कहने से मोटरसाइकिल को बोल दिया, जो तुम्हारा शहर में मोटरसाइकिल था हम चमकवाए, उन्होंने आज तक तो कुछ चमकवाए नहीं। क्या काम हुआ आपके शहर में? कुछ भी ना हो, हमारे यहाँ सबसे पहले बोले जो तुम्हारे आए थे आगे पड़ता है वो पानी भरा हुआ आज पुलिस से पहले बढ़वा। 4 मई को संभल नगर पालिका अध्यक्ष पद की वोटिंग होगी, मतदान होगा, क्या मन बनाया है आपके? हमने तो हथौड़े की तरफ मन बना लिया, पूरे इलाके में। कौन है आपके प्रत्याशी? समीर अहमद। क्यों लगता है आपको, क्या लगता है कि समीर विकास कराएंगे? हमने इन्हें पुराने वालों को तो बहुत बार देख सकते ना, वो सबके लिए जा रहे हैं, नए को इकट्ठा करके सब आपस में सवाल लें और सब नए को सुन। लगातार शहर की समस्याओं से परेशान होने के बाद लोग लगातार ये कह रहे हैं कि नया हम अपने शहर का चेयरमैन चाहते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंदा कुमार पेटापाल। गोविंदा कुमार जी, आपके शहर में लगातार चेयरमैन बनते हैं लोग और चुनाव के टाइम पे वादे करते हैं, कहते हैं हम आपके शहर की साफ सफाई कराएंगे, लाइटें लगवाएंगे और नालियों की साफ सफाई करवाएंगे, क्या होता है काम? हमारे पास तो कोई काम ऐसे नहीं होता, हमारा तो कोई झाड़ू भी नहीं लगती। क्या वजह? नाली की कोई सफाई भी नहीं होती है। क्या वजह मानते हैं जो शहर में साफ सफाई? क्या वजह मानते हैं? हम ये वजह मानते हैं कोई नेता हमारे संभल का ऐसा ना कोई विकास कर सके। अब की बार क्या मन बनाया है आपने? हमारा मन ये बनाया है, हम 3 तारीख को बताऊंगा आपको क्या मन बनाया। यहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, पुराने जो यहाँ के शहर के नेता हैं वो भी खड़े हुए हैं, तो क्या चाहते हैं कि पुराना लोग रहने चाहिए या नए कोई? हम ये चाहते हैं कोई भी अपना आदमी हो, कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, जो विकास कराएगा हम उसे वोट देंगे। जो विकास कराएगा शहर का उसे वोट करने का लगातार लोग कह रहे हैं, और नया प्रत्याशी लाने के लिए बात कर रहे हैं कि पुराने प्रत्याशी लगातार वादे करते हैं और उसके बाद कोई वादों पे अपने खरा नहीं उतारता, और लोगों से ही बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, नगरपालिका चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या मन है आपकी बार आपका? मन हमारा यही है कि नया प्रत्याशी देखना चाहते हैं और हमारे प्रत्याशी ऐसा होने चाहिए संभल शहर का विकास कर सकते हैं।
और विकास में जब देखी जाए तो साफ सफाई और थोड़ी सी बारिश होने पर भी जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और गड्ढों गड्ढों में पानी भरा मिलता है। आपके मोहल्ले की और शहर की क्या मुख्य समस्या है? शहर की सबसे मुख्य समस्या यही है जैसे कि नालियों का विकास नहीं है, रोडों का विकास नहीं है, बोला है और जैसे लाइट पानी है, बहुत सारे विकास हैं जो हम नहीं हो पा रहे हैं। पिछले शहर में हमने काफ़ी वादे किए थे और एक भी वादों को खड़े नहीं हो सकते। अब की बार क्या मन बनाया है? अब के बार बिल्कुल नया प्रत्याशी चाह रहे हैं और हम समीर अहमद को वोट करना और वो शहर में एक तरफा हथौड़ा चल रहा है। क्या लगता है आपको समीर अहमद विकास कराएंगे शहर का? बिल्कुल कराएंगे सर, क्योंकि वो 7 साल से समाज सेवा में लगे पड़े हैं और समाज सेवा करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नगर पालिका की बहुत सारी ऐसी बात हैं स्कीमें वगैरह जो चलती हैं वो काफ़ी लोगों को सपोर्ट करते हैं और हमेशा देने का काम करते हैं। 7 सालों में क्या समाज सेवा में क्या क्या काम किए? समाज सेवा में जैसे कि देखा जाए तो कॉलोनियाँ हैं और विधवा पेंशन है वगैरह होती हैं जो आती हैं वो नहीं मिल पाती बहुत से लोगों को, उन लोगों को दिलाने का काम भी करते हैं और अपना समाज सेवा में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं उनके जो देखा जाए तो जो गली मोहल्लों में काम कराते हैं। लगातार लोगों की शिकायतें हैं कि शहर में काम नहीं होते और लगातार नेता चुनाव के वक्त वादे करते हैं, लेकिन अब की बार लोगों का मन है कि नया एक प्रत्याशी संभल नगर पालिका चेयरमैन का अध्यक्ष बने और शहर का विकास हो और लोगों से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत बहुत शामिल रहेंगे। क्या नाम है आपका? अब की बार क्या मत बनाया है आपने, शहर में विकास को लेकर क्या कहना है? शहर के विकास को लेकर सबसे पहले तो मैं अपने पहले चेयरमैन साहब से ये कहना चाहूँगी कि वो चुनाव ना लड़ाएं तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें मैं ये बता देना चाहती हूँ जैसे पहली चेयरमैन साहब को सरकार ने तनख्वाह नहीं दी ऑफिस में बैठने की, ऐसे ही वो अब की बार भी उन्हें तनख्वाह नहीं मिलने वाली है, और अगर वो तनख्वाह मिलने की वजह से ही चेयरमैन ही लड़ा रहे हैं तो वो अपने घर बैठ जाएं, क्योंकि उनके पास एक बार मैंने फ़ोन किया था कि आप ऑफिस कब मिलेंगी, तो चेयरमैन साहब ने मुझसे ये कहा था कि सरकार जो है ऑफिस बैठने की तनख्वाह नहीं दे रही है मेरी पत्नी को, जो कि मैं ऑफिस में बैठाऊँगा। उस पर मैंने ये कहा था अगर तनख्वाह की बात है तो 6-7 हज़ार रुपये की नौकरी मैं लगवा दूंगी, और जो स्थिति आज हमने बूढ़े मोहल्ले में देखी और मैं यहाँ की स्थिति देख रही हूँ, नहीं चाहिए हमें ऐसा चेयरमैन, हमें वो चेयरमैन चाहिए जो गरीबी में पला हो, गरीबों के साथ रहा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, जिसने सबको छत दी हो, हम ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। और आज हम बूढ़े में ये वादा करके आए हैं, सबसे पहली बात तो 101% चेयरमैनी हमारी आ रही है, और अगर किसी वजह से वक्त खराब निकला या किसी ने हमारे साथ धोखाधड़ी करके हमें हरा भी दिया तो हम अपना वादा पूरा करेंगे। बूढ़े मोहल्ले में जो हम वादा करके आए, सड़क हम बनवा के रहेंगे, वहाँ का पानी भराव खत्म करा के रहेंगे, वहाँ सफाई करा के रहेंगे, आने वाले चेयरमैन जो भी कोई आएंगे उनके हम गर्दन पकड़ कर उनसे हम काम करा लेंगे। आज हम इतने गुस्से में हैं। क्या लगता है आपके शहर का विकास कौन कराएगा, कौन ऐसा प्रत्याशी है जो कि शहर में ईमानदारी काम करे? शहर का विकास तो हथौड़ा ही कराएगा, क्योंकि हथौड़े से ही सड़क बनती है, हथौड़े से ही मकान बनते हैं, हथौड़े से ही सब काम होते हैं, हथौड़े से ही काम होगा। पहले भी हथौड़ा चला था और अब भी हथौड़ा चलेगा, पहले भी हथौड़ा ने ही विकास कराया था और अब भी हथौड़ा ही विकास कराएगा। और इन चेयरमैन सामने तो जो स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने चला रखा है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ये स्वच्छता है चेयरमैन साहब की, ये स्वच्छ उन्होंने जिस चेयरमैन से अपने घर के बराबर की सड़क सही ना हो सकी हो वो किसी का क्या विकास करा सकता है। बीते दिनों नगर पालिका भ्रष्टाचार के खिलाफ भारी तादाद में सभासदों ने लंबी लड़ाई लड़ी, बात अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई। ये चेयरमैन साहब सुनने वाले ही नहीं है, ये नहीं सुनेंगे किसी की भी। हमारा जो चेयरमैन आएगा वो हर बात सुनेगा, हर किसी की दुख तकलीफ में वो आज भी खड़ा, कल भी खड़ा था और आज भी आने वाले टाइम में भी हमारे साथ खड़ा है। लगातार लोगों की शिकायत है विकास नहीं होने की, लगातार नेता वादा करते हैं कि हम विकास कराएंगे लेकिन वादों पे अपने करे नहीं होते, तो चुनाव के वक्त लगातार लोग वादे करते हैं कि हम विकास कराएंगे, आपके शहर का विकास कराएंगे, आपके गली ऊंचों का विकास कराएंगे, लेकिन उन विकास पे कहीं खड़े उतरते नजर नहीं आ रहे। तो लगातार हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। जहाँ 4 मई को पहले चरण में संभल में मतदान किया जाएगा, देखना यह है कि किसकी किस्मत चमकती है और किसकी किस्मत का तारा बुलंद होता है। पब्लिक वाइब के लिए मैं संभल।